हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दही की रेसिपी। एकदम परफेक्ट गाढ़ा दही आप घर पे कैसे बना सकते हैं उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातें मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो दही बनाने के लिए मैंने ले लिया आधा लीटर दूध और मैंने नॉर्मल अमूल का दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क नहीं है, अगर आपको फुल फैट मिल्क यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब आपको दूध को अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए दूध अच्छे से उबल चुका है, तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको ना दूध को बिल्कुल हल्का सा गुनगुना कर लेना है, और अगर आप पहले से उबला हुआ दूध यूज कर रहे हैं तो आपको दूध को बस हल्का सा गुनगुना करना है। तो ये देखिए दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब ये दही बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है कि नहीं इसे टेस्ट करने के लिए आपको ना हाथ लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। अगर आप दूध को सह नहीं पाए तो इसका मतलब दूध आपका बहुत ज्यादा गर्म है, और अगर आप दूध को सह ले रहे हैं इसका मतलब आपका दूध एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो ये जो दूध है वो एकदम परफेक्ट है। अब आपको दूध को ना इस तरह की मिट्टी की हांडी में डाल देना है। दही बनाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो एक्स्ट्रा पानी को सोख लेती है, जिसके कारण दही एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनता है। अब आपको इसमें 5 से 6 चम्मच डाल देना है दही, और दही को अच्छे से मिला लेना है। अगर आप दही को एकदम गरम गरम दूध में डाल देंगे तो दूध एकदम फट जाएगा, और ठंडे दूध में डालेंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं जमेगा, इसलिए आपका दूध एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और एक और टिप, अगर आप इसमें ना एक्स्ट्रा दही भी डाल देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा दही डालती हूँ ताकि मेरा दही ना एकदम परफेक्ट बने। अब आपको दही को ना इस तरह से कवर कर देना है कपड़े से, और रस्सी की मदद से बांध देना है। इससे हमारे दही में ना हवा आती जाती रहेगी तो हमारा दही ना बहुत अच्छा बनेगा। पर अगर आप ना प्लेट ढकना चाहते हैं तो वो भी ढक सकते हैं, और अगर आपके पास दही नहीं है ना तो आप इसकी जगह ना बटर मिल्क का यूज कर सकते हैं, या तो मिर्ची की डंडी भी डाल सकते हैं। अब आपको इसको 5 से 6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देना है, और 5 से 6 घंटे के बाद देखिए कितना अच्छा दही बन के रेडी हो चुका है। आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ।